पतंजलि ऋषिकुल प्रयागराज के इस शैक्षिक कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। कक्षा 2 विषय हिंदी साहित्य प्रकरण जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। मॉर्निंग बच्चों, आज हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा में हम लोग अब तक बहुत से टॉपिक को पढ़कर समझ चुके। आपका आज जो टॉपिक है, जो पाठ है, उसका नाम है जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस लेसन को रीड किया और इसके स्टार्टिंग की शुरुआत के अभ्यास कार्यों को किया। जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ, आप सबको पता है ये एक छोटी सी घोड़ा गाड़ी की स्टोरी है, कहानी है, जिसे अपने ऊपर बहुत शर्म आती थी, जिसे अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उसे कोई पसंद करता है, और वो अपने को दूसरों से कंपेयर करती रहती थी, दूसरों से देखती रहती थी कि मैं उसके जैसी क्यों नहीं लगती हूँ। लेकिन बहुत से प्रयासों के बाद अंत में उसको ये महसूस हुआ कि नहीं, मैं जैसी भी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। ये एक बहुत प्यारा सा मैसेज है हम सबके लिए कि हमें कभी भी किसी दूसरे की कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर ने जैसा भी बनाया है, हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो कि डिसक्वालिटीज़ हैं, हमें उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए और ख़ुद को आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी स्टोरी के हमने अभ्यास कार्यों को भी किया था। आइए उस स्टोरी में, उस कहानी में जो आपको घोड़ा गाड़ी दिखाई गई थी, एक यातायात का साधन, तो हम लोग कुछ नई जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो में कि यातायात के साधन क्या होते हैं, कितने होते हैं और वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं। यातायात के साधन means of transport, साइकिल, स्कूटर, मोटरबाइक, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, बस, रेलगाड़ी, ट्रेन, रिक्शा, ट्रैक्टर, लॉरी या ट्रक, लॉरी और ट्रक, ऊंट गाड़ी, कैमल कार, गाड़ी, कार, नाव, बोट, जुगाड़,
जहाज। शिप। हवाई जहाज। एरोप्लेन। बच्चों, मेरे साथ आप सब ने मिलकर देखा कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन होते हैं जो हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं। फ्यूल और बैटरी से चलने के अलावा बहुत से ऐसे जानवर भी होते हैं जो हमारे यातायात के साधनों में काम आते हैं और हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। अब इस वीडियो के बाद आपके मॉड्यूल में भेजे गए अभ्यास कार्यों को अपनी फेयर नोटबुक में करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू बच्चों।